हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डू द एक्सरसाइज. ओके, लुक एट हियर. क्वेश्चन नंबर 4, ट्रू और फॉल्स. टेल मी, द बाबर वॉज सेविंग द सुल्तान्स बियर्ड. एक्चुअली द बाबर वॉज सेविंग द सुल्तान्स हेड, नॉट बियर्ड. बियर्ड मीन्स दाढ़ी होता है, बट वो हेड सेव करने के लिए आया था. सो दैट इज ए फॉल्स है. द सुल्तान गेव हिम 3 गोल्ड कॉइन्स. That is false, because Sultan ने उसको 3 pieces of gold दिए थे. Okay, the barber refused to leave the Sultan's palace. Okay, यहाँ पे आपको true आएगा, क्योंकि वो Sultan का palace छोड़ने के लिए मना कर दिया था. There were 7 brothers all together in the Sultan's family. Okay, there were 7 brothers all together in Sultan family. क्योंकि बार्बर के फैमिली में 7 ब्रदर्स थे, ना कि सुल्तान के फैमिली में. ओके, ये ट्रू फॉल्स है जो कंप्लीट हो गया. नाउ राइट द ऑपोजिट ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग ऑन, इम और डिस. यानी ये सब प्रीफिक्स है, और ये प्रीफिक्स वर्ड लगाकर ऑन, आई एम और डिस लगाकर हम ऑपोजिट करेंगे. जैसे बिलीव, बिलीव का ऑपोजिट होता है डिसबिलीव. द ऑपोजिट ऑफ सेप्ट, अनसेप्ट. ओके, परफेक्ट, इम्परफेक्ट. सेटिस्फाई, अनसेटिस्फाई. पोलाइट, पोलाइट. इम्पोलाइट. रिस्पेक्ट, डिसरिस्पेक्ट. ओके, DIS आपको लगाना है. प्योर, प्योर का इम्प्योर. ओके, इम्प्योर होता है समझे, गंदा जो होता है. प्योर माने बहुत साफ है, और इम्प्योर माने बहुत गंदा है. एक्सपेक्टेड, अनएक्सपेक्टेड. उसमें प्रीफिक्स में आपको ऑन लगाना है. ओबीडियंट, डिसओबीडियंट. ओके, इस तरह से आपको ये जो है ये अपोजिट आपको बनाना है प्रीफिक्स वर्ड लगाकर. ओके, तो यहाँ पे ऊपर भी लिखा है, देखो, ऑन इम्पोर्टेंट, अनइम्पोर्टेंट. पेशेंट, इम्पेशेंट. प्लेजर, डिसप्लेजर. ओके, इस तरह से हमें ये प्रीफिक्स लगाकर अपोजिट बनाया है. ओके, ओके, ऑन, इम, डिस टुवर्ड द गिवन बॉक्स है. जैसे टाइडी, टाइडी का अनटीडी. द टीचर्स गट अपसेट विथ रानी बिकॉज हर वर्क वॉज अनटीडी. ओके, रानी के ऊपर वो अपसेट हो गए ना, इसका कारण ये है बिकॉज हर वर्क वॉज अनटीडी. क्योंकि अनटीडी का मतलब जो होता है अनक्लीन, जो बोलते हैं क्लीननेस उसका नहीं है, बट गंदा होता है. ओके, द डॉग वॉज डैश टू क्लाइंब द ट्री टू चेस द कैट. ओके, यानी जो डॉग वॉज ट्री, यानी पेड़ को चढ़ने के लिए वो अनेबल था. अनेबल मतलब जो वो नहीं चढ़ सकता था, यानी पेड़ नहीं चढ़ सकता था. टू चेस द कैट, कैट को चेस करने के लिए वो पेड़ को चढ़ नहीं सकता था. यहाँ पे अनेबल होगा, ठीक है. एबल का अपोजिट होती है अनेबल. आई डिसलाइक हॉट मिल्क, आई लाइक इट कोल्ड. क्योंकि मैं कोल्ड मिल्क पसंद करता हूँ, इसीलिए मैं हॉट मिल्क को डिसलाइक करता है. डिसलाइक मतलब होता है नापसंद. ओके, इट इज डैश टू क्रॉस द रोड ड्यूरिंग पीक ट्रैफिक आवर्स. इट इज इम्पॉसिबल टू क्रॉस द रोड ड्यूरिंग पीक ट्रैफिक आवर्स. यानी जब ट्रैफिक आवर्स ज़्यादा होती है, तो उसी वक्त आपको रोड क्रॉस करना बहुत मुश्किल होता है. इम्पॉसिबल है. पॉसिबल का ऑपोजिट इम्पॉसिबल. द मैजिशियन वेब्ड हिज मैजिक. जो मैजिशियन वेब्ड हिज मैजिक वंड एंड मेड द रैबिट डिसअपीयर. ओके, जब मैजिशियन ने अपना मैजिक शुरू किया, तो उसने रैबिट को डिसअपीयर कर दिया. रैबिट मतलब खरगोश है, और उसको उसने इनविजिबल कर दिया. डिसअपीयर मतलब इनविजिबल, दैट मीन्स इनविजिबल मतलब गायब कर दिया, ठीक है. रैबिट को गायब कर दिया. द पैसेंजर्स बिकेम डैश व्हेन द ट्रेन वॉज लेट अगेन. यानी जब ट्रेन फिर से लेट हो गया, द पैसेंजर्स जो थे, जो यात्री जो थे, वो इम्पेशेंट हो गए. पेशेंट का अपोजिट इम्पेशेंट होता है. इम्पेशेंट मतलब अपना जो धैर्य है वो अधैर्य हो गए. ओके, यानी वो बेचैन हो गए, ठीक है.
It is very dash to make fun of another person's weakness. Okay, it is very unkind to make fun another person's weakness. कभी अगर दूसरे लोगों की वीकनेस यानी कमजोरी के ऊपर अगर हमें मजाक उड़ाना है तो वो बहुत अनकाइंड होता है उस लोगों के लिए. अनकाइंड यानी काइंड का अपोजिट अनकाइंड होते हैं, उस लोग के प्रति हमने अन्याय कर रहे हैं. ठीक है ना, तो ये था आपका अपोजिट किस तरह से हमने सेंटेंस में यूज किए. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3. नोटिस द हाईलाइटेड वर्ड्स इन द सेंटेंस गिवन बिलो. यू ऑर्डर मी टू शो टू कम सो आई विल नॉट क्वाइट योर हाउस टिल आई हैव सेट यू. यहाँ पे जो हाईलाइटेड वर्ड देखो, यहाँ पे रेड कलर पे जो दिया है ये सो है. ये सब को हम कंजंक्शन बोलते हैं. क्या बोलते हैं? सो टिल. ओके, नेक्स्ट देखो, वाइल ही वॉज सेविंग मी. ओके, वाइल ही वॉज सेविंग मी, जब वो मुझे सेव कर रहा था. सेव मतलब आपको सेविंग, जैसे दाढ़ी सेव करते हैं. ओके, ही कुड नॉट स्टॉप टॉकिंग. ओके, और वो बोलना बंद नहीं कर सकता था. यानी सेविंग करने के टाइम में वो बोलना बंद नहीं करता था. ठीक है, तो दैट मीन्स यहाँ पे जो वाइल होता है वो कंजक्शन है. ठीक है, यहाँ पे इस सेंटेंस में आपको बहुत सारे कंजक्शन दिया है. देखो यहाँ पे ऑप्शन में कंजक्शन है, जैसे इफ और टिल वेयर ऑनलेस सो वाइल, ये बहुत सारे कंजक्शन है. इस कंजक्शन को यूज करके आपको सेंटेंस यहाँ पे फिलअप्स आपको पूरा करना है. जैसे प्लीज वेट विथ मी डैश द बॉस अराइव्स. ओके, टिल टिल का मीनिंग होता है तक. क्या होता है? तक, यानी प्लीज वेट विथ मी, यानी मेरे साथ मेरे लिए वेट करो टिल द बॉस अराइव्स. और जब तक बॉस पहुंचता है, जब तक नहीं पहुंचता, जब तक बॉस आता है तब तक आपको यहाँ पे वेट करना है, यानी बॉस आने तक आपको वेट करना है. ठीक है, तो यहाँ पे टिल जो आया वो तक आया, बॉस आने तक. बॉस आने तक प्लीज वेट विथ मी, मेरे साथ वेट करो. डू यू लाइक फुटबॉल और क्रिकेट. यहाँ पे और का मतलब होता है ऑप्शन. और का मतलब होता है ऑप्शन, येलो येलो या फिर या. दैट मीन्स डू यू लाइक फुटबॉल, क्या तुम फुटबॉल या फिर क्रिकेट पसंद करते हो. तो दैट मीन्स यहाँ पे और का मतलब या. माई फादर पिक्ड माई लॉन्च. माई फादर पिक्ड माई लॉन्च वाइल माई मदर कॉम्ब्ड माई हेयर. वाइल का मतलब उसी समय. ओके, जैसे वाइल माने मीन वाइल. ओके, तो जब उसी टाइप का मीनिंग को वाइल बोल. माई फादर पिक्ड माई लंच, पैक्ड माई लंच, यानी मेरा लंच को जब पैक कर दिया. कब? वाइल माई मदर कम टू माई हेयर, जब मेरे मम्मी जो मुझे मेरा हेयर यानी बाल बांध रहे थे, तब मेरे पापा ने वो लंच को पैक कर लिया. ओके, ये था आपका कंजक्शन. वाइल है, वाइल का मतलब जब होता है. ठीक है, उसी समय जब, इसी टाइप को हम यहाँ पे वाइल बोलेंगे. नेक्स्ट पेज क्वेश्चन नंबर 4. वी विल रीच ऑन टाइम इफ वी गो बाय द कार. यानी हम ठीक समय में पहुंच जाएंगे इफ वी गो बाय द कार. अगर दी अगर, इफ का मतलब होता है अगर. ओके, अगर हम बस, अगर हम कार में जाते हैं तो हम ठीक टाइम में पहुंच जाएंगे. यानी इफ का मतलब होता है आपका अगर. ठीक है, योर स्पीच कैन नॉट बी हर्ड बाय द ऑडियंस. ओके, डैस यू यूज पावरफुल माइक. योर स्पीच कैन नॉट बी हर्ड, यानी तुम्हारा जो स्पीच है वो सुनाई नहीं दे सकता है बाय द ऑडियंस, यानी ऑडियंस को सुनाई नहीं दे सकता है. तुम जो स्पीच बोल रहे हो वो ऑडियंस को सुनाई नहीं दे सकता है. ओके, ऑनलेस यू यूज पावरफुल माइक, यानी जब तक आप पावरफुल माइक यूज नहीं करते. यानी ऑनलेस का मतलब होता है एक नेगेटिव वर्ड है, यानी जब तक नहीं, जब तक आप एक पावरफुल माइक यूज नहीं करते तब तक आपका जो स्पीच है वो ऑडियंस को सुनाई नहीं दे सकता है. ओके, इट वॉज ए ब्यूटिफुल डे. इट वॉज ए ब्यूटिफुल डे सो दे डिसाइडेड गो फॉर ए पिकनिक. ओके, इट वॉज ए ब्यूटिफुल डे, ये बहुत एक सुंदर दिन था. सो दे डिसाइडेड टू गो फॉर ए पिकनिक,
इसलिए, सो का मतलब होता है इसलिए, ओके, इसलिए उन्होंने ये तय किया, ये पिकनिक जाने के लिए, पिकनिक जाने के लिए उन्होंने तय किया, ओके, दिन बहुत अच्छा था इसलिए उन्होंने पिकनिक जाने के लिए तय किया, या फिर सो का मतलब इसलिए। वी वेंट टू द जू वेयर वी सॉ मैनी एनिमल्स, यहाँ पे हम जू गए थे, ओके, जहाँ पर हमने बहुत सारे एनिमल्स यानी जानवर देखे। यहाँ पर वेयर का मतलब जहाँ, वेयर का मतलब जहाँ, इस तरह से आपको कंजक्शन को यूज करना है, ओके। नेक्स्ट आपको वर्ड फन, अब वर्ड फन में देखो, लुक एट द वर्ड्स इन द बबल्स, अब ये बबल्स है, बबल्स में बहुत सारे वर्ड्स लिखा है, और यहाँ पे राइट व्हाट डू यू व्हेन यू आर एट ए, जब आपको फिस्ट करते हो, फिस्ट मतलब आपको पता ही है, फिस्ट का मतलब आपको जैसे दावत में कोई बुलाता है, फिस्ट होता है, तो वहाँ पे आप क्या करते हो, आप बैठते हो, खाना खाते हो और सर्व भी करते हो, ठीक है ना, तो यहाँ से ये चूज कर सिलेक्ट करके आपको लिखना है। जैसे रेस, आप रेस में आप क्या करते हो रन करते हो, भागते हो, समझे ही नहीं, और क्या करते हो आप वहाँ से देखना है, समझे, यहाँ से रन, एक तो रेस में आपको रन करते हो, रन के साथ आप और क्या करते हो, आपको यहीं से आपको लिखना है, ठीक है, मैंने नहीं लिखा है, आप ढूंढ के लिख लेना है। क्रिकेट मैच, क्रिकेट मैच में आप क्या करते हो, जैसे खेलते हो, क्रिकेट मैच जाते हो तो खेलना पड़ेगा, और उसके साथ वहाँ पे मैच जीत भीते हो, ठीक है, यहाँ पे विन है। सिनेमा, अब सिनेमा में आप क्या करते हो, इंजॉय करते हो, भाई सिनेमा जाते तो इंजॉय करेगा और चिल्लाते हो, बहुत अच्छा अच्छा अगर सीन आपको आता है तो वहाँ पे आपको क्या करना है, चिल्लाना है, शाउटिंग करना है। फेयर, फेयर का मतलब आपको मेला होता है, क्या होता है, मेला, जब आप मेले में जाते हो तो वहाँ पे खरीदते हो, बहुत सारे सामान खरीदते हो और राइडिंग करते हो, ठीक है, बहुत सारे झूला है तो वहाँ पे आपको राइड करते हो। पार्टी, और पार्टी में जाते तो क्या करते हो, पार्टी में आपको ड्रिंक करते हो, कोल्ड ड्रिंक्स होता है, आप ड्रिंक करते हो और डांस भी करते हो, तो इस तरह से आपको यहाँ पे आपको करना है। यहाँ पे रेस में आपको रन भी करना है और यहाँ पे कम्पीट भी करना है, कम्पीट भी आप कर सकते हो, कम्पिटिशन में भाग ले सकते हो, तो इस तरह से यहाँ पे कम्पीट भी लिख सकते हो, ठीक है, तो ये आपका ये वर्ड फन आया, ओके, तो इस तरह से ये कंप्लीट हो गए हैं। अब हम आपको क्या करेंगे ना, क्वेश्चन आंसर भी आपको समझा देंगे, ओके, अब हम क्वेश्चन आंसर पढ़ेंगे, ठीक है। अब पेज नंबर 105 में जो पांच क्वेश्चन है, फाइव क्वेश्चन है, उस फाइव क्वेश्चन के बारे में मैं आपको समझा देता हूँ। इसमें ट्रू फॉल्स भी फोर्थ नंबर का, लेकिन 1, 2, 3 और क्वेश्चन 5 का मैं आपको लिखा देता हूँ, आप देख लो बराबर, ठीक है। हाउ मेनी ब्रदर्स डिड द ब्रदर हाफ बार्बर हाफ, यानी हाउ मेनी ब्रदर्स डिड द बार्बर हाफ, बराबर बार्बर जो थे, जो नाई था, उस नाई का कितना भाई थे, भाई मैंने आपको बताया था कि उस भाई, उस बार्बर का 6 ब्रदर थे, द बार्बर हाज 6 ब्रदर्स, तो आप यहाँ पे क्वेश्चन आंसर भी लिखोगे, द बार्बर हाज 6 ब्रदर्स, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हाई वाज द सुल्तान इन ए हरी, यानी सुल्तान जल्दी में क्यों था, सुल्तान जो है वो जल्दी में क्यों था, ठीक है। द सुल्तान वाज गिविंग ए फीस्ट टू सम फ्रेंड्स एट नून, क्योंकि सुल्तान नून में अपने दोस्तों को फीस्ट दे रहा था, तो विच वाज व्हाई ही वाज इन ए हरी टू लीव, और जिस कारण के वजह से वो बहुत जल्दी था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको मैंने यहाँ पे क्वेश्चंस नहीं लिखा है, आप बुक में से देख लेना है, क्वेश्चन लिखा है व्हाई डिड द बार्बर टेक सो लॉन्ग टू शेयर द सुल्तान, ओके, व्हाई डिड द बार्बर टेक सो लॉन्ग टू सेव द सुल्तान, सुल्तान को सेव करने के लिए इतना टाइम क्यों लिया बार्बर ने, तो देखो यहाँ पे देखो, बार्बर वाज ए टॉकेटिव पर्सन, बार्बर वाज ए टॉकेटिव पर्सन, ओके, तो यहाँ पे जो टॉकेटिव है, टॉकेटिव से पहले आपको एक आर्टिकल लगाना है, ए लगाना है, तो आपको मैंने लगाया नहीं, तो आपको यहाँ पे ए लगा देना है। सो इंस्टेड ऑफ सेविंग द सुल्तान्स हेड, ओके, इसीलिए उसने सुल्तान के हेड को सेविंग करने के जगह पर ही वॉज चैटरिंग विद द सुल्तान, वो सुल्तान के साथ चैटरिंग कर रहा था, सो द बार्बर
took so long to save the sultan. और इसी कारण के वजह से वो सुल्तान की हेड को सेव करने के लिए ज़्यादा टाइम लिया. नेक्स्ट क्वेश्चन फाइव नंबर, why did the barber want a lot of food? ओके, बार्बर को बहुत सारे खाने की जरूरत क्यों थी? क्यों थी? बार्बर इन्वाइटेड, ओके, बार्बर इन्वाइटेड हिज फोर और फाइव फ्रेंड्स द प्रीवियस डे. क्योंकि वो बार्बर ने अपने फोर और फाइव फ्रेंड्स को प्रीवियस डे मतलब अगले दिन उससे पहले दिन आपको दावत में बुलाया था, आज बुलाया था टू कम टू हिज हाउस दैट डे. यानी उसी दिन वो अपने फोर और फाइव फ्रेंड को दावत में बुलाया था खाने के लिए. बट ही हैड ए क्वाइट फॉरगेटन इट, लेकिन वो भूल गया था इस सब के बारे में, वो भूल गया था. एंड हैड नॉट मेड एनी प्रिपरेशन फॉर देम, और उनके लिए कोई प्रिपरेशन नहीं किया था. समझेंगे नहीं, जब दावत में बुलाते हैं तो खाना वाना बनाना पड़ता है, लेकिन वो भूल गया था इसलिए वो प्रिपरेशन नहीं किया था. सो ही वॉन्टेड ए लॉट ऑफ फूड, ओके, और इसीलिए उसको बहुत सारे खाने की ज़रूरत थी. ठीक है, तो ये मैंने आपको क्वेश्चन आंसर बता दिया है. चैप्टर सिक्स का क्वेश्चन आंसर एंड एक्सरसाइज दोनों कंप्लीट कर दिया है, तो आपको ये लर्न करके आपको अपने नोटबुक में लिख लेना है. ठीक है, तो एक बार फिर से मैं यहाँ पे करा देता हूँ. ठीक से ओके.